मोमीज आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पेंसिल के बारे में जो मिड रेंज में काफ़ी अच्छी पेंसिल है। ये पेंसिल ब्रूस्टर ब्रांड की है, जो एक रेनाउंड ब्रांड है। इसे मैंने 290 रुपीज़ में परचेज़ किया था। इसमें अलग अलग ग्रेड की 12 पेंसिल मिलती है, जो एक अच्छी बात है। पेंसिल की लेंथ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और मैंने इससे काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट ड्रॉ किए हैं और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं लगी। सो 2A से लेकर 10B तक के इसमें सारे ग्रेड्स इसमें आते हैं। इस तरह के टीन के बॉक्स में हमें ये मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। इरेज करने में भी काफ़ी अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसमें सिल्वर फिनिश दिया है और यहाँ पर इसका ग्रेड लिखा है। सो फ्रेंड्स, ब्रूस्टर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। आप मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं पेपर भी ब्रूस्टर का ही यूज़ करती हूँ और ब्रूस्टर के पेपर और ब्रूस्टर के पेंसिल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ हमें मिलती है। पहले इसमें सबसे लाइटेस्ट पेंसिल यूज़ करके देखते हैं, जो है 2H। इसके बाद हम डार्क ग्रेड को भी यूज़ करके देखेंगे और फिर ब्लेंड करके भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसमें तरह तरह के इरेज़र भी यूज़ करके देखेंगे, इरेज हो पाता है या नहीं। सो जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि मैं इसे काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जो 2H पेंसिल है, ये इतनी अच्छी और इतनी लाइट है कि जब हम ग्रिड ड्रॉ करते हैं तो हम नॉर्मली HB पेंसिल का यूज़ करते हैं, जो कि डार्क होती है, और 2H उससे लाइट होने की वजह से हम जब ग्रिड या कोई भी रफ आउटलाइन ड्रॉ करते थे, इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रेड्स के साथ में ब्लेंड हो जाती है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए आप इसे ग्रिड बनाने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे डार्क पेंसिल का यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है HB। सो फ्रेंड्स, HB का भी यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से evenly ड्रॉ हो रहा है। इसमें अनइवन जैसा कुछ भी नहीं है और बहुत अच्छे से जो इसकी लाइन की स्ट्रेंथ है बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो 2H को ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया था और यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग के लिए। सो ये ब्लेंडिंग स्टम्प से भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आर्टिस्ट ग्रेड की तरफ, जो कि है 2B पेंसिल। और 2B पेंसिल को यूज़ करके देखते हैं कि इसमें हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी 2B पेंसिल भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है और काफ़ी ज़्यादा स्मूद है, इसे मैं फील कर पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2B की जगह 2H लिख दिया है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और इसे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रही हूँ, तो आप ब्लेंडिंग देखिए, बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग हो पा रही है और जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हायर ग्रेड की तरफ और आप मिलूंगी 6B पेंसिल। और जैसे जैसे अब हम हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे, जो इसकी लेड होती है वो सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट होने की वजह से इसे लीड ब्रेक की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है 10B में, और मेरे साथ आई है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो इसकी डार्कनेस है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया 6B पेंसिल, कितनी ज़्यादा डार्क है। और इसे मैं ड्राई ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूद इसकी ब्लेंडिंग हुई है। फ्रेंड्स, ये पेंसिल पेपर पर काफ़ी स्मूदली रन करती है। पेंसिल में ऐसा कोई सैंडी टाइप का मटेरियल नहीं है जिससे कोई डिफ़िकल्टी आए। कुछ चिप पेंसिल में ऐसा होता है कि कुछ खुरदुरा सा आता है और पेंसिल पेपर पर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप में से बहुत से आर्टिस्ट ने शायद ये फील भी किया होगा कि कुछ सैंडी सा फील होता है, बट इसमें ऐसा इसकी जो स्मूदनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैंने यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ग्रेड की 10B पेंसिल को भी अप्लाई कर दिया है और मैं इसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रही हूँ, और आप इसकी डार्कनेस देख सकते हो, वाओ, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और फ्रेंड्स, मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा इन पेंसिल का यूज़ करके पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अभी 3 टाइप्स के इरेजर से इसे इरेज करके देखूँगी कि अच्छे से इरेज हो पाता है कि नहीं। सबसे पहले मैंने Tombow 0 इरेजर लिया और अब देख पा रहे हैं ये इजीली इरेज हो पा रहा है। और यहाँ पर मैंने फेवर कैसल की ये पेंसिल इरेजर लिया है और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि पेंसिल इरेजर से ये इरेज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है, ये अच्छे से इरेज नहीं हो पा रहा है, स्पेशली 10B पर। और यहाँ पर अब मैं इसे नीडेबल इरेजर को यूज़ करके देखती हूँ।
सो नीडेबल इरेजर से काफ़ी अच्छे से इरेज हो पा रहा है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तीनों इरेजर मैंने आपको यूज़ करके बताया, इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छे से जो रन कर पाया है वो इरेजर है, नीडेबल इरेजर। जैसे जैसे आप हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे तो वैसे आपको थोड़ी लीड ब्रेकेज की प्रॉब्लम दिखाई देगी। सो इसका सलूशन ये है कि आप इसे शार्पनर से शार्पना करें और आप इस तरह का क्राफ्ट नाइफ लें और इसे फिंगर की हेल्प से, फिंगर का सपोर्ट देते हुए इस तरह से स्लोली शार्प करें। और अगर आप ये शार्पनर का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल न्यू शार्पनर लें। इन ऑल मिड रेंज में काफ़ी अच्छी पेंसिल है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं और हाईलाइट भी इसमें काफ़ी अच्छा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इन पेंसिल का यूज़ करके कौन कौन से पोर्ट्रेट बनाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बने हैं। और फ्रेंड्स, एंड में आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि इसमें आपको शाइन थोड़ी देखने को मिलेगी। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि स्टेडलर की तरह इसमें शाइन नहीं होगी, बट इसमें शाइन होती है। सो आप देख सकते हैं, मैंने आपको ब्रूस्टो ब्रांड की इस आर्टिस्ट पेंसिल के बारे में सारी जानकारी दे दी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।